अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज इस वीडियो में, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, जैसे कि मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ठीक है। इस वीडियो में हम वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेटेड टू द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, है ना। तो वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर देखो दो चीज़ें होती हैं, चीज़ें तो बहुत सारी होती हैं, वर्ड्स होते हैं, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट पूरे, लेकिन जो काम की चीज़ें होती हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस कंटेक्स्ट पर हम बात कर रहे हैं, वो दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़, आपके क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ गया, आधा क्वेश्चन सॉल्व है, बचा हुआ क्वेश्चन वो हम पढ़ चुके हैं, मेथड्स हमारे पास हैं। क्योंकि अगर क्वेश्चन समझ में आ गया, आपको वर्ड को मैथमेटिक में कैसे डील करना है, वर्ड को कन्वर्ट कैसे करना है मैथमेटिक्स में, वर्ड लैंग्वेज को मैथमेटिक लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करना है, आपको वो चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। तो वही चीज़ है क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग, जो कि 50% पार्ट हमारा कवर करती है। तो आज हम वर्ड प्रॉब्लम्स ही कवर करने जाएंगे, और जिन जिन चीज़ों पे हमें स्ट्रेस देनी है, फोकस करना है, वो मैं आपको बोलता रहूँगा कि याद रखो, ध्यान रखो, मैं खुद बोलता रहता हूँ, मेरा नहीं चलेगा, ठीक है। तो सी स्टार्टिंग विद द वर्ड प्रॉब्लम्स एंड सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम विदाउट यूजिंग द पेन एंड पेपर। कोशिश करेंगे पूरी कि भैया इक्वेशन सॉल्व ना करनी पड़े, लेकिन इन केस करनी पड़ गई तो फिर करेंगे, क्या करें, मजबूरी है, ठीक है। तो सी, तो छोटा सा पेन, छोटा सा क्वेश्चन पेपर है, लिखिए, आसान से क्वेश्चन से करवाता हूँ जैसा हमारा रहता है। द टोटल कॉस्ट ऑफ 6 बुक्स एंड 4 पेंसिल इज 34। द टोटल कॉस्ट ऑफ six books and four pencils is rupees 34, and that of 5 books and that of 5 books and that of 5 books and 5 pencils and 5 pencils। देखो ये क्वेश्चन ऐसा है, इतना बुरा क्वेश्चन है ये, इसमें सोच रहे हो सर आप कितनी मेहनत करवा रहे हो लिख रहे हो, मैं तुम्हें फील करवाने के लिए करवा रहा हूँ, क्वेश्चन करने कैसे वर्ड प्रॉब्लम, आसान से शुरुआत इसे नहीं करवाता हूँ, ठीक है। तो लिखो क्वेश्चन, द 5 बुक्स एंड 5 पेंसिल्स इज रुपीज 30, दे रखा है। तो आपको क्या बताना है, द कॉस्ट ऑफ ईच बुक एंड ईच पेंसिल, ईच बुक एंड ईच पेंसिल, ये बताना है आपको। ऑप्शन लिख लो, ए 1 and 5, ऑप्शन बी 5 and 1, ऑप्शन सी 6 and 1, एंड ऑप्शन डी 1 and 6। देखो भाई एक बात ध्यान में रखना, ऐसा मत कर देना जाके कि हो सकता है किसी की लोकेलिटी में पेंसिल 1 रुपए की मिल रही हो, पेन जो 6 रुपए का मिल रहा हो, तो जो है ना अपनी लोकेलिटी के हिसाब से ज़्यादा हमारे यहाँ 6 रुपए का पेन मिलता है और 1 रुपए की पेंसिल मिलती है, इसलिए आंसर 6 और 1 होगा। और कोई बच्चा ये सोच रहा होगा हमारे यहाँ 5 का मिलता है और 1 का मिलता है, तो 5 और 1 लगा कर आ जाए। और कोई सोच रहा होगा कुछ इस तरह से, हर किसी की लोकेलिटी में अलग अलग रेट्स हैं, ठीक है, तो अपने पास से मत कर आ जाना कुछ भी, ठीक है, जस्ट अ पार्ट ऑफ जोक। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन की इक्वेशन बनानी है। तो सी क्या है, इसको हमें किस तरह से नक्श करना है मैथमेटिकल इक्वेशन में, ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसको नक्श करना है मैथमेटिकल इक्वेशन में। तो हमने कॉस्ट बुक की क्या मान ली, तो कॉस्ट ऑफ बुक 1 book x एंड 1 pencil, 1 book की कॉस्ट क्या हो गई x, और 1 pencil की कॉस्ट क्या हो गई y, ठीक है। इक्वेशन क्या है, 6x ये तो है प्लस 4y इक्वल टू कितना 34, और दूसरी इक्वेशन क्या आएगी, 5x प्लस 5y इक्वल टू कितना 30, इतना बड़ा करने की जरूरत ही नहीं है, कितना हो जाएगा x प्लस y इक्वल टू 6। ऑप्शन से उठाओ, वैल्यू डाल दो,
देखो ये भी 6 दे रहा है, ये भी 6 दे रहा है, ये 7 दे रहा है, ये 7 दे रहा है, ये दो ऑप्शन तो कट गए, बचे कौन से, ये और ये। ठीक है, तो बस इसको चेक कर लेना। इस पहली इक्वेशन थी, दूसरी आसान सी लग रही थी मुझे, इसलिए इसी में डाल के देख लिया मैंने। वन वैल्यू रख के देखो, तो 6 1 6 और 4 5 20, कितना होगा? 20 + 6 26, 34 नहीं होगा ना, हटाओ आगे बढ़ जाओ, इधर आओ। 6 5 35 और 4 5 6 5 35 नहीं होता, 6 5 30 होता है, 6 5 30 एंड 4 1 4 30 + 4 34, सो बी इज द आंसर। ठीक है, तो आसान था क्वेश्चन, था जरूरत नहीं थी इसे वैसे करने की, तो मैं तो आपको करके दिखा भी रहा हूँ, आपको सच बताऊँ तो करने की जरूरत भी नहीं है, आप सीधा सीधा ऐसे ही इसकी वैल्यू चूज कर सकते हो बाई यूजिंग द ऑप्शन। तो दिस इज अ इजी प्रॉब्लम, ऐसा जिसमें कुछ था नहीं, तो प्रॉब्लम्स हमें थोड़ी टफ सी करनी है। देखो ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सी इसको नोट कर लो, इसे रब करते हैं पहले। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, क्वेश्चन है अ नंबर कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट्स। क्वेश्चन है अ नंबर कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट्स, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट्स हुज सम इज एट, हुज सम इज 8, वो सम इज 10, सॉरी नॉट 8, वो सम इज 10 इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर डिजिट्स आर रिवर्स्ड, डिजिट्स आर रिवर्स। क्वेश्चन बोल रहा है द नंबर इज, द नंबर इज, क्या नंबर होगा? 64, बी 46, सी 55 एंड डी 73। देखो बच्चों ये बात हो गई क्लियर, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, है ना, क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन कह रहा है नंबर कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट, टू डिजिट नंबर है, टू डिजिट नंबर का रिप्रेजेंटेशन आपको पता है क्या होता है? या तो 10x + y होता है, जिसमें आप, मैं देखो इसको उस मेथड से नहीं सॉल्व करवाने जा रहा जो मैं बताने जा रहा हूँ, मैं इसको बस हवा में कर दूंगा, 2 मिनट के अंदर पता भी नहीं चलेगा। मैंने कहा था मैं कोशिश करूंगा कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं विदाउट यूजिंग द पेन एंड पेपर, मुझे सिर्फ क्वेश्चन में आंधी चलानी है और कुछ नहीं करना, ठीक है? और आपको भी आंधी चलानी, कॉम्पिटिशन आंधी चलाने का ही नाम होता है, जितनी आंधी चलाओगे उतनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखो चलाएंगे कैसे आंधी, अभी देखते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कॉन्सेप्ट है कि एक्चुअल में तो टू डिजिट नंबर है क्या, ये रिप्रेजेंटेशन होता है 10x + y, जिसमें एक्स को हमने मान लिया 10th प्लेस और ये हो गया हमारा यूनिट प्लेस, ठीक है? एक हो गया 10th प्लेस और एक हो गया यूनिट प्लेस। तो दो चीज़ें होती हैं, एक चीज़ होती है डिजिट, एक होती है नंबर। तो डिजिट की बात करें तो डिजिट क्या है इसके, एक्स और वाई जो है वो डिजिट हैं और नंबर क्या है 10x + y, तो कन्फ्यूज ना होना बिल्कुल भी। तो अगर डिजिट्स की बात करता था सम ऑफ द डिजिट्स यानी x + y और सम, और अगर नंबर की बात करेगा तो नंबर आपको पूरा 10x + y ही लेना पड़ेगा। तो सी क्वेश्चन देखो, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट हु सम इज 10, यानी कि डिजिट का सम कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। जरा देखना था, 6 + 4 10, 4 + 6 10, 5 + 5 10, 7 + 3 10, फंस गए चारों ऑप्शन आ गए, अब क्या करें? आगे देखते हैं सेकंड कंडीशन में। फिर कहा ना इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, 64 में से 18 माइनस करो जल्दी से, कितना आएगा? अरे जल्दी करो भाई, 6 बात खत्म, देख लो क्या कह रहा है। इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, अरे मुन्ना डब्लू हो गया ना ये, देखो 64 से 46 हो गया,
पहले ही ऑप्शन हमारा सेट हो गया, बाकी करके देख लो, इसमें से 18 करके देखो माइनस कितना आएगा, दो। कहाँ यार, 220 थी तो 46 से 23, ये तो आ नहीं रहा, इसमें से भी 18 करके देख लो, इसमें से भी 18। यानी कि पहली कंडीशन में तो सारे का ऑप्शन फंस रहे हैं हमारे। यही है लीनियर इक्वेशन के अंदर दो कंडीशन दी हुई होती हैं, कंडीशन नंबर वन एंड कंडीशन नंबर टू। कंडीशन नंबर वन लगा के देखो, कंडीशन नंबर वन से दो ऑप्शन गायब हो जाते हैं ज़्यादातर। ये क्वेश्चन एक्सेप्शनल है, इसमें चारों के चारों ऑप्शन जो है बचे रह गए, लेकिन कंडीशन नंबर टू से उन दो में से एक भी जो है वो भी गायब हो जाता है, सीधा आंसर निकल कर आ जाता है। तो हमें करना क्या है, सीधा सीधा एग्जैक्ट सॉल्व कर देना है कि नंबर कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट हुज सम इज 10। देख लो नंबर टू डिजिट के सारे के सारे, सबका सम 10 आ रहा है। फिर क्या कहा इसने, अगर उस नंबर में से 18 माइनस करोगे तो वो अपने डिजिट्स की प्लेस इंटरचेंज कर देगा, यानी कि यूनिट प्लेस 10 पर आ जाएगा और 10 प्लेस यूनिट पर आ जाएगा, यही तो बोला ना। तो क्या हुआ, 64 का क्या हुआ, 4 यहाँ आ गया, 6 यहाँ आ गया, 46 18 माइनस करने के बाद, यानी कि पहला ऑप्शन ही हमारा सेट हो गया। तो आंधी चल गई, क्वेश्चन भी उड़ गया, नोट कर लो, गॉट इट। बहुत ज्यादातर प्रॉब्लम हमें ऐसे ही करने हैं, और ये कोई मेरा मेथड नहीं है, ठीक है, डिट्स नॉट अ रेफरल मेथड, ये एक मेथड है, दिस मेथड इज फॉर ऑल, कॉमन सेंस यूज करो, दैट्स ऑल। ओके, कोई मेथड किसी का नहीं होता, मैथमेटिक्स पहले से डेवलप हो चुकी है, तो दैट्स इट। नोट करो जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन और है, इसमें भी आंधी चलाएंगे जल्दी से। क्वेश्चन है हमारा, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट्स, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट्स, ये भी टू डिजिट का नंबर है भाई, हुज सम इज 9। पहली कंडीशन क्या कह रहा है, हुज सम इज 9। फिर क्या कहा, द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर ऑफ द गिवन नंबर, क्वेश्चन समझाएंगे, एक मिनट जरा लिख लें। कॉमा एक्सीड द गिवन नंबर बाय 27, एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 27, ये क्वेश्चन दे रखा है। द नंबर क्या होगा, पहला ऑप्शन 36, दूसरा ऑप्शन 45, तीसरा ऑप्शन 54 एंड ऑप्शन डी 27। देख लो भाई क्वेश्चन क्या है, क्या कहना चाह रहा है, क्या समझना चाह रहा है, क्या आपसे करवाना चाह रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। तो सी क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट्स, यानी कि इसके डिजिट का सब कितना रहा, 9, 6+3 9, 4+5 9, 5+4 9, 2+7 9। फिर चारों पहली कंडीशन में चारों ऑप्शन फंस गए, चारों सेट हो रहे हैं। अब अगली बात करते हैं आगे के। फिर क्या कहा था, द नंबर ऑप्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर एक्सीड द गिवन नंबर बाय 27, यानी के मतलब क्या हुआ, ये कह रहा है कि जो आपका, यानी कि जो नंबर ने आपके ऑर्डर आपके यूनिट्स को एक्सचेंज किया, यानी कि 63 को 36 किया, ये एक्सीड द गिवन नंबर, यानी कि जो नंबर था ऑलरेडी उससे कितना ज्यादा है, 27 ज्यादा है, तो नंबर क्या होगा,
समझ में आई बात नहीं आई, देख लो फिर से कह रहा। मेरे ख्याल से क्वेश्चन लिखने में कुछ गड़बड़ हो गई क्या? द नंबर ऑब्टेन्ड बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर एक्सीड द गिवन नंबर बाई 27। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये कहानी है हमारी। तो दो का सम कितना रहा? 9। अभी कह रहा है द नंबर ऑब्टेन्ड बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर ऑफ द गिवन नंबर एक्सीड द गिवन नंबर बाई 27। यानी कि अगर हम इसकी बात करें बच्चों कि ये नंबर कितना है, 36 है, तो अगर आप 36 में 27 ऐड करो तो क्या आएगा, क्या आएगा? 7 और 6 13, 13 के 3 हाथी लगाए 1, 3 और 1 4 और 2 6 63। वो यही तो कहना चाह रहा है, ये यही तो कहना चाह रहा है कि आप नंबर जो ऑप्टेन होगा रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, है ना, अगर उसमें आप उसमें से यानी कि जो आपका गिवन नंबर था उसमें अगर आप 27 ऐड करोगे तो वो वही नंबर आ जाएगा। नंबर चेंज, देखो इंटरचेंज हो रहा है, नहीं हो रहा। 36 में 27 ऐड किया तो 63 आ गया, लेकिन अब इसमें 27 ऐड करना नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, तो सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है, क्वेश्चन ये तो कह रहा था नंबर ऑब्टेन्ड बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, यानी कि जो नंबर आपके आएगा डिजिट्स को रिवर्स करके, जो नंबर आपका आएगा डिजिट्स को रिवर्स करके, ठीक है, वो 27 बड़ा है गिविन नंबर से, है ना, गिविन नंबर से कितना, 27 ऐड करेंगे तभी 63 आएगा, दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये टू डिजिट्स वाले नंबर में भी हमें पेन यूज़ नहीं करना। मैं नहीं कहूँगा आपको पेन पेपर यूज़ करने के लिए, हम सिर्फ आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको करना है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन यहाँ कर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू डिजिट का ही करवाते हैं मेरे को। ठीक है, क्वेश्चन लिख लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये भी टू डिजिट का है, अब बात चल रही है तो इस पर मुख्तलिफ क्वेश्चन बन सकते हैं। कह रहा है टू डिजिट नंबर इज ऑप्टेन्ड बाई ऑप्टेन्ड बाई ईदर मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ द डिजिट्स इज ईदर मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ द डिजिट्स इज ईदर मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ द डिजिट्स बाई एट एंड एडिंग वन एंड तो मैं लिख चुका हूं, एंड एडिंग वन, एक तो कंडीशन ये आई, और या बाई मल्टीप्लाइंग the difference of the digits by multiplying the difference of the digits by 13 and adding 2 full stop the number is, question samajhna zaruri hai pehle। ऑप्शन ए 41, ऑप्शन बी 63, ऑप्शन सी 31, ऑप्शन डी 23। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन ने कहा टू डिजिट नंबर,
इस एक टू डिजिट नंबर हमें मिलता है कैसे, कैसे मल्टीप्लाई करके, किसको, उसके नंबर के डिजिट्स को, किससे, 8 से, और उसमें 1 ऐड करके, ठीक है। दूसरी चीज क्या का? और यह मिलता है बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट, यानी दोनों के डिजिट्स को माइनस करके और उसमें 13 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड करके। ये तो मतलब देखो लिखूंगा समझ में आएगी बात, कहना क्या चाह रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन ने कहा टू डिजिट नंबर इज ऑब्टेन बाय ईदर मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ द डिजिट बाय 8, ठीक है, ये तो कहना चाह रहा है मल्टी सम ऑफ द डिजिट बाय 8 एंड एडिंग 1। क्या देखना ये 41 आ रहा है नहीं आ रहा? अरे हर बार हमारा पहला ही ऑप्शन क्यों साइड हो जाता है, हमारे बात समझ में नहीं आती। देखो जरा ये 41 है, इसने क्या कहा अ टू डिजिट नंबर इज ऑब्टेन बाय ईदर मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ द डिजिट बाय 8, सम ऑफ द डिजिट बाय 8 एंड एडिंग 1। तो 8 5 40 कितना आ गया, 41 आ गया नहीं आ गया, या दूसरी कंडीशन से भी 41 ही आना चाहिए, या क्या कहा इनने और बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स, मल्टीप्लाइंग डिफरेंस ऑफ डिजिट बाय 13 एंड एडिंग 2, कितना होगा 13 3 39 प्लस 2 41। तो भाई कहानी खत्म हो गई यहाँ, तो ये तो कहानी ही खत्म हो गई, इतना बड़ा क्वेश्चन इसको सॉल्व करते, लेट द यूनिट प्लेस बी एक्स, द टेंथ प्लेस इज वाई, द नंबर इज 10x + y अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ब्ला ब्ला एंड 10x + y इज इक्वल टू ब्ला ब्ला, सॉल्व बोथ द इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड मैच द वैल्यू विद ऑप्शन। क्या है ये कॉम्पिटिशन नहीं है, ये एग्जामिनेशन है, सॉल्व इट बाई यूजिंग द शॉर्ट मेथड। ओके नोट डाउन जल्दी से, नोट करो जल्दी से। तो ये ट्रिक्स हमें यूज करनी है, लीनियर इक्वेशन विदाउट यूजिंग द पेन एंड पेपर, दैट्स अवर मोटो, यही नारा है हमारा। नारा वारा नहीं है, नेताओं का नारा होता है, नेता वेता नहीं है। ओके सी नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो एक क्वेश्चन बड़ा मशहूर क्वेश्चन है भाई, शायद मैंने करवाया भी है लेकिन फिर करवा देता हूं। अ मैन हैज सम हैंस एंड काउस, अ मैन हैज सम हैंस एंड काउस, अ मैन हैज सम हैंस एंड काउस फुल स्टॉप, इज द नंबर ऑफ हेड्स इफ द नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ बी 48, नंबर ऑफ हेड्स कितने बेटा 48 एंड नंबर ऑफ फीट इक्वल्स एंड नंबर ऑफ फीट इक्वल्स 140, द नंबर ऑफ हैंड्स विल बी फुल स्टॉप, द नंबर ऑफ हैंड्स विल बी, ये तो वही वाली बात हो गई कि गाय भैंस जो पालते हैं ज़्यादातर पढ़े लिखे नहीं होते, पढ़े लिखे भी होते हैं ऐसा नहीं है, हमसे पूछा गया काउंटिंग करनी भी नहीं आती, ठीक, पूछा भाई कितने आपके जो फार्म हैं उसमें कितनी हैंस हैं कितनी काउज हैं, बोला हमें नहीं पता भाई, इतनी टांगे हैं और इतनी खुपड़ियाँ हैं हमको नहीं पता कितनी हो क्या होता है, लैक्स जो हेड्स हैं, इतने का 48 हेड्स एंड 140 लैक्स हैं। अब यार ये तो कंडीशन आ गई, सोचने वाला तो जब परेशान हो जाएगा, यार ये कोई तरीका है 48 हेड्स हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी हैंस हैं कितनी काउज हैं, बस यहीं पे कॉमन सेंस लगाना है। तो एक इक्वेशन आएगी हेड के टर्म में, एक काउ में कितना हेड होता है 1 और एक हैन में कितना हेड होता है 1, भाई रावण तो नहीं है ना कि 10 सर हो गए, ठीक है। तो पहली इक्वेशन हेड के टर्म में आएगी, टोटल हेड कितने हैं, तो अगर आपने हैंस को एक्स माना और काउस को वाई माना,
ठीक है। तो पहली इक्वेशन क्या आएगी, हेड के टर्म में आएगी ना 1x प्लस वाई इजिकल टू 48। अब बच्चे अब आप माइंड में क्वेश्चन आ सकता है, सर ऑप्शन में लिख दूं? चलो भैया ऑप्शन में लिख देता हूँ, ऑप्शन लिखना ज़रूरी होता है। मैं कहोगे सर 26 बी, 24 सी, 23 एंड डी 22। अब माइंड में क्वेश्चन तुम लोगों ने पकड़ लिया होगा फ़ौरन। बोले सर अभी तो आप कह रहे थे कि हम ऑप्शन से करेंगे क्वेश्चन, अब क्यों नहीं कर रहे ऑप्शन से? भैया मैं ऑप्शन से करता अगर ये दोनों चीज़ें पूछता, ठीक है, नंबर ऑफ हैंस एंड नंबर ऑफ काउस अगर ये दोनों पूछता तो मैं जल्दी से सर गिन लेता इनके, या लेकिन लेग्स गिन लेता, परेशानी खत्म हो जाती। लेकिन इसने प्रॉब्लम कहाँ दे दी मुझे, इन्हें प्रॉब्लम यहाँ दे दी, इन्हें खाली हैंस के बारे में पूछा, काऊ की बात ही नहीं करी। तो अब यहाँ पर मजबूरी हो गई इक्वेशन को सॉल्व करना, दैट इज द रीज़न। तो सी, तो पहली इक्वेशन हेड के टर्म में बनी x प्लस वाई इक्वल टू 48, और दूसरी इक्वेशन किसके टर्म में बनेगी, लेग्स के टर्म में। तो काऊ हैन की कितनी, एक हैन की कितनी लेग्स होती हैं, चार होती है ना, घर पर चिकन में तो चार लेग पीस होते हैं, दो होती हैं भाई, दो 2x, और काउस में कितनी होती हैं 4y, यानी कितनी टोटल लेग्स है 140, ठीक है। इसको इक्वेशन को और सिंप्लीफाई कर लो, और x प्लस 2y इजिकल टू वॉट 70। तो ये फर्स्ट इक्वेशन होगा और ये सेकंड इक्वेशन होगी, निकालना क्या है आपको, x निकालना है, हैंस निकालनी है ना। तो बस इस इक्वेशन को आप क्या कर दोगे, सॉल्व कर दोगे, x को एलिमिनेट करोगे तो फायदा क्या, y को एलिमिनेट करो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो पहली इक्वेशन क्या रही, x प्लस वाई इजिकल टू 48 है ना, और दूसरी इक्वेशन क्या रही, x प्लस 2y इजिकल टू 70, y को एलिमिनेट करो ज़्यादा अच्छा रहेगा, x क्यों करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको तो ये कितना आ जाएगा 96, ये आ जाएगा 2y और ये आ जाएगा 2x, y एलिमिनेट करो तो x कितना आया 96 माइनस 70 कितना, और 26, 26 है सुनी भाई। तो ये भी आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि सर आपने वो x से क्यों एलिमिनेट किया, y क्यों नहीं किया? तो इसका रीज़न वही होगा कि जो चाहिए वही तो निकालेंगे, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट कीजिए, सीधी सी बात है, कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। नंबर ऑफ हैंस और नंबर ऑफ काउस, कहीं पे अगर ये चीज़ मुझसे ये बोल देता ना कि नंबर ऑफ हैंस और नंबर ऑफ काउस दोनों निकालनी है, तो फिर ऑप्शन का यूज़ बहुत आसानी से हो जाता। तो कहीं कहीं पर कंडीशन ऐसी होती हैं जहाँ पर हम ऑप्शन को यूज़ नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसको नोट करो जल्दी से, आई थिंक ये नोट कर लिया होगा, यहाँ करते हैं। चलो एक क्वेश्चन और लिख लो, क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, वैसे ही है आपको यूनिक सॉल्यूशन। द कंडीशन फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दो दे रखी है, के एक्स माइनस वाई इजिकल टू 2 एंड 6x माइनस 2y इजिकल टू 3। कंडीशन क्या दे रखा है, कह रहा है यूनिक सॉल्यूशन है, तो आपको क्या बताना है, देन द वैल्यू ऑफ के क्या होगी, ऑप्शन बताओ जल्दी देख के। ऑप्शन है के इजिकल टू 3, ऑप्शन बी के इज नॉट इक्वल टू 3, ऑप्शन सी के इज नॉट इक्वल टू 0, ऑप्शन डी के इक्वल टू 0, ठीक है। तो बस कंडीशन लगा दो सीधा सीधा, क्या होगा यूनिक की कंडीशन क्या होती है, के अपॉन 6 इज नॉट इक्वल टू कितना, माइनस 1 अपॉन माइनस 2, प्लस हो जाएगा, तो 2k इज नॉट इक्वल टू 6 और k इज नॉट इक्वल टू 3, एक कंडीशन ही आ जाएगी सीधी सीधी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ओके बच्चों, तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये, तो जल्दी से आप इसको नोट कर लो। यस,
मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द क्वेश्चन हियर, ये देखते हैं. क्वेश्चन है, द मंथली इनकम्स ऑफ एएनडबी आर, द मंथली इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आ भी चुका है, 4:3. ओके, एंड ईच ऑफ देम सेव्स ₹600. स्टॉप. एंड ईच ऑफ देम सेव्स ₹600. फुल स्टॉप. इफ द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स, इफ द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स ये दे रखा है 3:2. फुल स्टॉप. कह रहा देन द मंथली इनकम ऑफ ए, देन द मंथली इनकम ऑफ ए. देखो बेटा यहां भी फंस गए हम. एक चीज पूछ लेता है ना तो वहां पे ऑप्शन को ले जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना. तो मैं आपको इसलिए इस तरह के क्वेश्चन भी करवा रहा हूं कि ऐसा ना हो कि इसी पे डिपेंड हो जाओ. जब एक चीज पूछ ली उसने तो बस यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ जाता है, मजबूरी हो जाती है सॉल्व करने. बात रुपीज में चल रही है सभी, है ना. तो एक चीज है मंथली इनकम और एक है एक्सपेंडिचर. दो चीजें हैं, एक है मंथली इनकम और एक है एक्सपेंडिचर. तो मंथली इनकम क्या होती है, सैलरी आती है, खर्चा होता है, तो क्या होती है, सैलरी जाती है. ठीक है, जाती है का मतलब, आती है का मतलब प्लस, और जाती है का मतलब क्या, माइनस. तो एक्सपेंडिचर क्या होगा, माइनस होगा. तो सैलरी के बाद सैलरी आई, खर्चा हुआ, पैसे बचे. फॉर एग्जांपल किसी इंसान की 10,000 रुपये सैलरी आई, उसने उसे खर्च कर दिए कितने, 8,000 रुपये खर्च कर दिए. तो एक्सपेंडिचर क्या हुआ, 8,000 रुपये, बचे कितने, 2,000. तो सैलरी में से क्या माइनस होता है, एक्सपेंडिचर. भाई इक्वल टू इसके बराबर होता है सेविंग के. तो वही तो कंडीशन है, तो वही चीज़ है. तो द मंथली इनकम, देखो जब रेशियो में होती बात तो अगेन हम क्या कर लेते हैं, क्या रेशियो हो जाएगा सैलरी का 4x:3x. ठीक है, ये 4x:3x हो जाएगा. एक्सपेंडिचर का क्या हो जाएगा, 3y:2y. ठीक है, तो बस पहले की सैलरी में से पहले का एक्सपेंडिचर माइनस हुआ तो कितने बचे, दोनों ने बराबर ही सेव किया ना 600. और जब दूसरे की सैलरी से दूसरे का एक्सपेंडिचर माइनस हुआ तो कितने बचे, अगेन 600 ही बचे, क्योंकि सेविंग दोनों की क्या है, बराबर है. एलिमिनेशन मेथड लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, एक्स की वैल्यू निकालो, बात खत्म हो गई. समझाना क्या है, सिचुएशन समझानी ज़रूरी है ना. इक्वेशन तो सॉल्व कर लोगे ना, तो दिस फर्स्ट इक्वेशन, दिस सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करना तो आपको आता ही है ना. तो बस इसको सॉल्व कर दो सिंपली, तो जो भी और एक्स और वाई की वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा. चलो कर देना भाई, अगर तुम लोग कह रहे हो तो. बहुत से लोग तो इसमें भी काहली कर जाते हैं, इसे 2 से कर दो, इसे 3 से कर दो. तो 2 से कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये 8x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -6y हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा. इसे 3 से किया है तो ये कितना हो जाएगा, 9x. ये क्या होगा, इसी को तो एलिमिनेट कर रहे हैं, ये कितना होगा, 1800. हटा दो, प्लस कर दिया इक्वेशन को, सॉरी माइनस कर दिया. माइनस करो कितना आएगा, -x = -600. यानी कि x की वैल्यू कितनी आई, 600. जब x की वैल्यू 600 आ गई
ठीक है, तो किसकी इनकम पूछ रहा है, एक ही पूछ रहा है ना, तो फोर सिक्स दा 4x था ना 2400, तो जो ए की सैलरी होगी वो कितनी हो जाएगी बेटा, 2400 रुपये, 2400 इज द सैलरी ऑफ ए। ओके, सो वेरी गुड क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन है, नया नहीं है। चलिए एक वन वेरिएबल का क्वेश्चन भी करवा दे रहा हूँ, को ना इंसाफी हो जाएगी वन में। क्वेश्चन है, इफ 49 क्या रुपीज है, इफ रुपीज 49 वर डिवाइडेड, वर डिवाइडेड अमंग 150 चिल्ड्रन फुल स्टॉप। फिर लिखा गया ईच गर्ल गॉट 50 पैसा, ईच गर्ल गॉट 50 पैसा एंड बॉय 25 पैसा, एंड बॉय 25 पैसे। हाउ मैनी बॉयज वर देयर, हाउ मैनी बॉयज वर देयर, ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 102, ऑप्शन सी 104, ऑप्शन डी 105। ठीक है, ये थोड़ी नाइंसाफी हो गई है, 25 पैसे तो होता बॉय को मिल रहे हैं और 50 पैसे गर्ल को मिल रहे हैं, ऐसा क्यों, बराबर मिलना चाहिए ना सबको। चलो ये क्वेश्चन है, देने वाले ने दे दिया। तो देखो 150 चिल्ड्रंस है ना, तो अगर हमने क्या बॉयज को एक्स सपोज किया तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, अगर हमने बॉयज को एक्स सपोज किया तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी हमारे पास, टोटल कितने चिल्ड्रन है 150, यानी कि 150 माइनस एक्स ना, गर्ल्स हो जाएंगी हमारे पास 150 माइनस एक्स। ओके, अब टोटल मनी कितनी है, 49 रुपीज है ना, तो बॉयज को कितने मिले 25 पैसे, यानी कि एक्स प्लस गर्ल्स को कितना मिला 50 पैसा, 0.5, यानी टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स 150 माइनस एक्स इजिकल टू टोटल मनी कितनी है 49। सॉल्व द इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, सिंपल क्वेश्चन है, कर लेंगे इसको, किस तरह से हैंडल करना है, 8th क्लास का क्वेश्चन है ये, तो इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए साहब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है बेटा ये ना, इसलिए करवा रहा हूं। अ रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट, बड़ा क्वेश्चन है यार लिखने में प्रॉब्लम, अ रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर, बट द रिजर्वेशन चार्जेस, बट द रिजर्वेशन चार्जेस बट द रिजर्वेशन चार्जेस इज द सेम ऑन, इज द सेम ऑन हाफ टिकट है ऑन फुल टिकट। ये पहले इनने कंडीशन बताई है भाई, कहना बच्चा हो या बूढ़ा हो, इंसान हो या जानवर हो, टिकट
टिकट हाफ ज़रूर हो जाएगा, लेकिन रिजर्वेशन चार्जेस किसी के लिए जो है वो रियायत तो नहीं है, रिजर्वेशन चार्जेस सबके नहीं बराबर लगेंगे, यही तो बोला इसने। और रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट द हाफ द फुल फेयर, यानी कि रेलवे हाफ टिकट की कॉस्ट हाफ द फुल फेयर है, बट रिजर्वेशन चार्जेस नहीं है हाफ, बट रिजर्वेशन चार्जेस द सेम ऑन हाफ टिकट, जितना का फुल टिकट पर रिजर्वेशन चार्ज है उतना ही हाफ टिकट पर रिजर्वेशन चार्ज है, इतनी बात इसने बोल दी। अब क्वेश्चन में कंडीशन दी कि वन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट वन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट फॉर अ जर्नी बिटवीन टू स्टेशंस फॉर अ जर्नी बिटवीन टू स्टेशंस इज रुपीज 362। ये कंडीशन है पहली। और फिर क्या बोला, एंड वन फुल एंड वन हाफ, यानी कि डेढ़ टिकट, एंड वन फुल एंड वन हाफ रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट कॉस्ट रुपीज 554। द रिजर्वेशन चार्ज बताना है आपको, क्या बताना है, द रिजर्वेशन चार्ज ज़बरदस्ती मुझे इतना लंबा लिखना पड़ गया, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, कोई बात नहीं। ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 22, सी 38 एंड डी 46। क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों, क्वेश्चन अपने आप में कहानी है, कहानी वानी नहीं। यहाँ तक तो मैंने बता दिया था आपको, है ना, कि किसी के लिए कोई रियायत नहीं है। फिर इनने कंडीशन दी कि एक टिकट की कॉस्ट कितनी है, सीधी सीधी बात है 362 रुपये विद रिजर्वेशन चार्ज, ठीक है, एंड वन फुल एंड वन हाफ रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट कॉस्ट रुपीज़ 554। देखो बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ चुका है हमारे यहाँ, ये क्वेश्चन गालिबन आया था, बताऊँ कब आया था, ये क्वेश्चन आया था, अल्लाह जाने कब आया था, नाइन में आया। सिंपल सी बात है, पहली कंडीशन क्या है, एक टिकट, एक तो इसमें चार्ज है, रिजर्वेशन चार्ज को मैंने मान लिया लेट, आर चार्ज कितना हो गया मैंने बाई मान लिया, और टिकट की कॉस्ट कितनी है एक्स हो गई, तो एक टिकट में क्या लगेगा, एक तो टिकट की कॉस्ट लगेगी और एक रिजर्वेशन चार्ज लगेगा, ये कितना आएगा, ये दे रखा है 362, ठीक है। अब कितना टिकट है, डेढ़ टिकट है, डेढ़ टिकट का मतलब कि चार्ज तो 3/2x होगा ना, लेकिन आधे टिकट पे भी रिजर्वेशन चार्ज फुल और एक पे भी फुल, तो ये कितना होगा 2i, ये कॉस्ट कितनी आ जाएगी 554, ठीक है। आपको क्या निकालना, रिजर्वेशन चार्ज यानी वाई निकालना है, ये तो सिंपल हो गया ना क्वेश्चन बेटा, तो उसमें वैल्यू पुट करके आंसर निकाल ही लेना, जो भी आएगा इसका आंसर बता देता हूँ, उसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा हमारा बी 22 आएगा रिजर्वेशन चार्जेस, ठीक है। तो इसको आप कर लेंगे, क्वेश्चन समझने की चीज़ थी बस, और कुछ नहीं था, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ये 3/2 इसलिए लिखा हुआ है मैंने, क्योंकि ये डेढ़ टिकट है, वन फुल एंड वन हाफ लिखा हुआ है, इसलिए वन फुल प्लस वन हाफ ही 3/2 हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये भी आ चुका है हमारा। देखो मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा, मैं समझा दे रहा हूँ क्वेश्चन में है क्या एक्चुअल में, फालतू में जो है तबड़ा लंबा चौड़ा लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन कह रहा है पॉइंट्स ए एंड बी आर 60 किलोमीटर अपार्ट, दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए है
और एक पॉइंट बी है, ये दोनों कितना है 60 किलोमीटर अपार्ट, डिस्टेंस दे रखा है इनका 60 किलोमीटर इजीली। अ बस स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी, एक बस यहां से स्टार्ट करती है और एक बस यहां से स्टार्ट करती है, चलना शुरू करते हैं ये, ठीक है। इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो दे मीट इन 6 आवर्स, अगर वो सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो वो 6 घंटे में मिल जाएंगे। सेम डायरेक्शन की कंडीशन में क्या आएगा, कब मिलेंगे ये 6 आवर्स में, ठीक है। एंड इफ दे गो इन अपोजिट डायरेक्शन, और अगर ये ऐसे आएंगे एक दूसरे के तो ये 2 घंटे में मिल जाएंगे, ठीक है। स्पीड ऑफ द बस विद ग्रेटर स्पीड, आपको ये बतानी है स्पीड बस की, जिसकी ज़्यादा, जिस बस की स्पीड ज़्यादा है वो बतानी है हमें, यानी कि ये वही पता चलेगा। ऑप्शन दे दे रहे हैं इसका, ऑप्शन ए है 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, यानी कि आपको उस बस की स्पीड बतानी है जिसकी स्पीड ज़्यादा है, 30 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन डी 40 किलोमीटर पर आवर। कंडीशन समझ में आ गई आप लोगों के? तो बेटा कभी इत्तेफाक होगा ट्रेन में बैठने का, तो जब हम ट्रेन में बैठते हैं, ठीक, देखते हैं कि अगर हम ट्रेन में बैठे हैं और कोई अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन आ रही है तो कितनी रॉकेट की तरह निकल के चली जाती है भाई, वो है पता भी नहीं चलता, हवा देती चली जाती है बालों को, तो क्या हकीकत में, तो क्या हकीकत में वो इतनी स्पीड से चलती है? नहीं, वो हकीकत में इतनी स्पीड से नहीं चलती। होता क्या है कि अगर आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो 60 में और दूसरी ट्रेन आ रही है इस डायरेक्शन में 60 में, तो यानी आपको वो 60 प्लस 60 स्पीड ऐड हो जाती है और वो 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती हुई दिखती है। और कोई अगर आदमी या कोई बच्चा 120 दूसरी ट्रेन में बैठेगा और वो आपकी वाली ट्रेन को देखेगा तो आपकी ट्रेन भी उसके रेस्पेक्ट में 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जाएगी। और कभी जब तुमने देखा होगा कि तुम्हारी ट्रेन चल रही है इस तरह से और एक सामने से एक ट्रेन जा रही है, ठीक, अगर आपकी ट्रेन 60 पे चल रही है और दूसरी ट्रेन 80 पर आ रही है तो जाएगी आपसे आगे लेकिन हल्की हल्की स्पीड में जाती दिखाई देगी ना, तो इसका मतलब वो चल तो 80 पर रही है लेकिन वो आपके आपकी आपके रेस्पेक्ट में 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे जा रही है। तो यानी कि सेम डायरेक्शन में क्या हुआ, स्पीड क्या हो गई, माइनस हो गई ज़्यादा में से कम, और अपोजिट डायरेक्शन में क्या हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या हो गई, प्लस हो गई। तो बस ये कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है इसके अंदर। तो सेम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम, तो सेम डायरेक्शन में स्पीड है, याद रखना कि हमने इस बस की स्पीड मान ली क्या एक्स और इस बस की स्पीड मान ली क्या वाई। तो जब सेम पहले बात कर रहे हैं सेम डायरेक्शन की, ओके, तो क्या होगा, स्पीड किसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी या इसकी ज्यादा होगी, किसने किसको पकड़ा, इसने पकड़ा ना इसको, तो ऑब्वियसली स्पीड इसकी ज्यादा होगी, तो इसकी स्पीड में से इसकी स्पीड माइनस कर देंगे। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, राइट में भी तो स्पीड ही आनी चाहिए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि 60 डिस्टेंस है और टाइम ये है, तो 60/6 कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर में आएगी स्पीड जो भी आएगी। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। और अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएंगी बच्चों, प्लस हो जाएंगी, है ना। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, स्पीड्स क्या हो जाती हैं, प्लस, यहाँ पे लिख लो माइनस, यहाँ लिख लो प्लस, तो ये हो गई प्लस, यहाँ पे राइट स्पीड यानी कितने 2 घंटे में मिल रही है ना, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी 60/2 कितना आएगा 30 2x = 40 x = 20 किलोमीटर पर आवर। तो x वही तो है भैया, x है क्या, x वो ट्रेन है जो तेज चल रही थी, यानी कितनी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। साहब ट्रेन नहीं है, बस है, हम ट्रेन की भावनाओं में खो गए, कोई बात नहीं, बस है ना, क्वेश्चन में बस दे रखी है, बस ही करो। तो x हमें कॉन्सेप्ट देना था, तो इसकी बस कितनी हो जाएगी आपकी 20 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आ जाएगी बस की। ओके स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट, उसमें एक दो कार थी, ठीक है, तो वो भी ऐसे ही क्वेश्चन था, तो कॉन्सेप्ट यही है, कॉन्सेप्ट यही लगना है, वही अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट भी होता है, तो कॉन्सेप्ट समझना मेन चीज़ है हमारे लिए। देखो अभी कंपेरिजन वाला क्वेश्चन भी करवा देते हैं, इसे नोट कर लीजिए, शाबाश बच्चों। आई होप नोट कर लिया होगा आपने। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर, इन कवरिंग
अ डिस्टेंस ऑफ थर्टी किलोमीटर, यानी कि इसको मैं समझा दूंगा ऐसे ही, मैं इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है, ये डिस्टेंस दे रखा। अमित टेक्स 2 आवर्स मोर देन सुरेश, यानी कि इसमें दो लोग हैं, एक है अमित और एक है सुरेश, तो अमित ने क्या करा, 2 आवर्स मोर टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर, यानी कि अमित ने 2 घंटे ज्यादा लिए, ठीक है ना। चलिए साहब ये कर रहे हैं, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन देखो, सेंड इफ अमित डबल्स हिज स्पीड, अगर अमित अपनी स्पीड को डबल कर देगा, अमित की स्पीड एक्स मान ली, इनकी भाई साहब की वाई मान ली सुरेश की, अगर अपनी स्पीड डबल कर देगा अमित, ठीक है, ही वुड टेक 1 आवर लेस देन सुरेश, यानी कि अगर अपनी स्पीड डबल कर देगा तो वो सुरेश से क्या करेगा, 1 आवर कम लेगा, क्या करेगा, 1 आवर कम लेगा, ठीक है, यही तो बोला इसने, तो आपको क्या बताना है, सुरेश अमित की स्पीड बतानी है आपको, सही भाषा में एक एक्स बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, दो बच्चे हैं, एक अमित है एक सुरेश है, उनको 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, तो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में अमित जो है वो 2 घंटे ज़्यादा लेता है, किससे, सुरेश से, कौन तेज चल रहा है, अमित से सुरेश, ऑब्वियसली यार जब टाइम ज़्यादा अमित ले रहा है तो सुरेश ही तेज चल रहा है। अब क्या करा, उसको जोश आया कछुए की तरह, जैसे उसको जोश आया था खरगोश को, यार मैं तो सोता रह गया, कछुआ आगे निकल गया, वो दौड़ना शुरू करता है, तो वैसे ही इनको होश आया, किसको, अमित को, इन्होंने क्या देखा, ओहो ये तो आगे निकल गया 2x, इन्होंने अपनी स्पीड को डबल कर दिया, और तेज भागूंगा, फिर उसके बाद क्या करते हैं, जब ये अपनी स्पीड डबल कर देंगे तो ये क्या करेंगे, ये 1 घंटा कम लेंगे इनसे, इस डिस्टेंस कवर करने में 1 घंटा कम हो जाएगा, तो आपको बताना है कि इनकी स्पीड क्या होगी। क्वेश्चन सिंपल सी बात है, देखो इसमें आपको याद ये रखना है कि बात स्पीड के टर्म में चल रही, तो स्पीड के टर्म में ही बात होनी चाहिए, यहाँ पे कोई और चीज़ नहीं आनी चाहिए, लेफ्ट साइड पे स्पीड है तो राइट साइड पे भी स्पीड होनी चाहिए, लेफ्ट पे टाइम है तो राइट पे भी टाइम होना चाहिए, यही चीज़ कॉन्सेप्ट है बस, और कुछ नहीं है, इन्वर्ट प्रॉब्लम। तो देखो ध्यान से, तो स्पीड की बात अगर हम करें तो कौन ज़्यादा ले रहा है, हम बात कर ले रहे हैं, स्पीड की बात नहीं करते, हम टाइम की बात कर रहे हैं, क्योंकि टाइम दे रखा है क्वेश्चन में, टाइम से तो डिवीजन हो रहा है, तो साहब अमित का टाइम, अमित का टाइम क्या होगा, अमित का टाइम होगा ये, अमित के टाइम में से अगर सुरेश का टाइम माइनस करोगे तो 2 घंटा आएगा, सिंपल सी बात है, नहीं है, है ना, और इसको और सिंपलीफाई कर लो, 1/x माइनस 1/y इक्वल टू 1/15 आ जाएगा, यही तो कह रहा है क्वेश्चन। अब आ गया, अब इसने क्या कहा, अगर अमित अपनी स्पीड डबल कर देगा तो सुरेश से 2 घंटे ज्यादा लेगा, यानी कि सुरेश की टाइम में से अगर अमित का टाइम माइनस कर दूं सेकंड केस का तो कितना आएगा बच्चों, ये आएगा 1, ये कितना आ जाएगा 1। अब इस तरह की इक्वेशन तो आप सॉल्व कर लोगे ना, नहीं कर पाओ तो बताओ, मैं करके देखूं, फर्स्ट इक्वेशन ही सेकंड इक्वेशन देख लो, सॉल्व कर ले रहे, कोई बात नहीं, ये क्या है हमारा 1/x प्लस का है ना, देखते रहो, और 1/-माइनस का है ना, और ये 1/15 भी प्लस का है, प्लस कर दो ये एलिमिनेट हो जाएगा, प्लस कर दोगे तो क्या आएगा 1/x माइनस 1/2x प्लस 1/x इक्वल टू 1+1/15, सिंपल सी बात है, 1/x कॉमन ले लो, माइनस 1/2+1 इक्वल टू 15+1 16 16/15 ये आ जाएगा, तो 1/x इंटू 1/2 इक्वल टू 16/15 मल्टीप्लाई कर दो, 1/x इक्वल टू कितना आएगा 32/15 और x कितना आएगा 15/32, ठीक है, ये कहानी आ जाएगी 15/32 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन है हमारा 56 का, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, एक सेकंड कुछ गलती हुई, इन कवरिंग टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड 30/x माइनस 30/y ओके 2 आवर्स मोर यानी कि 2 एंड 1/x माइनस 1/y इक्वल टू 2/30 1/15 आ जाएगा, ठीक है, फिर क्या कहा इसने,
इसने कहा कि अगर अपनी स्पीड को डबल कर देगा कौन ये, तो टाइम पर सुरेश लादा लेना 1/y - 1/2x - 1/y - 1, वो एक घंटा ही ले रहा है ना, 1 आवर लेस देन द सुरेश हमसर, ठीक है ओके, सुरेश ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो क्वेश्चन तो सही किया हमने, -1/y + 1/x हमने एलिमिनेट किया है, इसको ऐड किया, ऐड करेंगे तो -1/2 - -1/x कॉमन लिया, 1 + 1/15 15/32 आ रहा है, ठीक है इसको देखते हैं 56 का आंसर क्या आ रहा है, डिस्टेंस तो लिखा नहीं यहाँ पे, कहाँ गया ये, ठीक है ये ठीक है, -1/y की थोड़ी जाएगा यहाँ पे, इसका जो तुमने सेकंड कंडीशन लिखनी थी यहाँ पे डिस्टेंस भी तो लिखना था, 30/y - 30/2x, आंसर तो अपने आप गलत आएगा, ठीक है ये 30/y और 30/2x ही आएगा पूरा, फिर इसको सॉल्व करोगे तब निकल कर आएगा, एक्स की वैल्यू आनी चाहिए 5 किलोमीटर पर आवर, कभी कभी जो है ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें छूट जाती हैं तो उनको ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है ये क्वेश्चन करते हुए मम्मी भावनाओं में बह गए, और भावनाओं में बह गए तो 30 को ही भूल गए, तो इसकी वजह से वैल्यू गलत होने लगी, तो कोई बात नहीं हो जाता है करते करते, क्योंकि आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग यार, तो ये क्या हो 30 यहाँ पे लिख देंगे, डेट्स ऑल, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तरीका देख लिया आप लोगों ने, नोट कर लीजिए इसको, क्वेश्चन तो रह ही गया हमारा, हाँ ये सब क्वेश्चन आए हुए थे जो मैंने आपको करवाए ना अब तक, जितने भी क्वेश्चन करवा रहा था मैं ऑलरेडी, और कुछ क्वेश्चन जो है ना अभी हमारे शायद रह जाएंगे, तो एक दो क्वेश्चन वो उसको हम किसी चैप्टर में जो ना बैलेंस कर देंगे अगर रह गया तो ये बताओ जल्दी से, क्वेश्चन दे रखा है x + 2 = √2x + 7, 1 वेरिएबल का क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक का भी हो सकता है, क्वेश्चन नंबर है जो भी है आपको बताना, द सेट ऑफ द वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग, ऑप्शन ए -3 1 सी -3.1 ऑप्शन डी 2, ठीक है तो कुछ नहीं करना इसमें से वैल्यू सेटिस्फाई करवा दो, जो भी वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा, तो -6 इसमें कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है, 1 रख के देखना जरा खाली, 1 + 2 = 3, हाँ ये 1 ही सेटिस्फाई हो रहा है बस, तो 1 इसका आंसर हो जाएगा सिंपली से, -3 नहीं हो रहा, तो ठीक है बच्चों ऐसा जिसमें कुछ था नहीं चैप्टर के अंदर, थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम के कॉन्सेप्ट थे जो मैंने आपको दिए और आपने वो बहुत अच्छे से करे, और ज़्यादातर वो क्वेश्चन भी हमने करे जिसमें हमें विदाउट यूजिंग द पेन और पेंसिल जो है पेपर जो है हमने किया, तो अब आप लोग कैपेबल हो वर्ड प्रॉब्लम को डील करने के लिए, वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इन केस किसी टाइप का वर्ड प्रॉब्लम अगर रह गया हम नहीं करवा पाए तो आप कमेंट्स वाले सेक्शन में जाके उस क्वेश्चन को बोलिएगा कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ, एटलीस्ट आप क्वेश्चन भी लिख के हमें बता सकते हो ताकि हम उसका सॉल्यूशन आपको इंडिविजुअली प्रोवाइड करवा सकें, ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं अपने अगले चैप्टर के साथ, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, ओके तो खुदा हाफिज़।